शहनाज गिल किसी ना किसी बहाने चर्चा में बनी ही रहती हैं। बिग बॉस के घर से जब से बाहर आई हैं, तब से उनके अंदर और बाहर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। यही वजह है कि आजकल बड़े बड़े इवेंट्स में भी वो शो स्टॉपर बनकर वाह वाह ही बटोर रही हैं। इस बार लैक्मे फैशन वीक में भी शहनाज का जलवा देखने को मिला, लेकिन इस बार शहनाज का बोल्ड या संस्कारी लुक चर्चा का विषय नहीं बना, बल्कि उनकी ड्रेस और उनकी चाल ने लाइमलाइट बटोरी। रैंप पर जब शहनाज ब्लू ड्रेस में उतरी तो पहले समझ नहीं आया कि इन्होंने पहना क्या है। एक्स्ट्रा ओवरसाइज जंपसूट जिसको डिजाइन किया था दीक्षा खन्ना ने। जंपसूट के साथ शहनाज ने कैरी किया था एक और ओवरसाइज्ड डेनम जैकेट और साथ में पहने थे टेन बूट्स। वहीं नाक के बीचों बीच उन्होंने पहनी थी नोज रिंग। ऊपर से चाल ऐसी कि देखने वाले ही सोच में पड़ जाए कि ये चल ही ऐसी रही हैं या खुद को मॉडल बनाने की कोशिश कर रही हैं। जरा देखिए तो उनकी ये चाल। जब से शहनाज रैंप पर उतरी है तब से अपनी चाल की वजह से ट्रॉल हो रही है। यहाँ तक कि लोगों ने तो कमेंट भी करना शुरू कर दिया है। किसी ने उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, पहले चलना तो सीख लो। एक चाल मलाइका की है और ये एक इनकी। मलाइका के बाद अब ये भी अपनी चाल के लिए ट्रॉल हो रही है। इस शो में शहनाज गिल का फैशन अंदाज थोड़ा अलग और बेबाक दिखा। सोशल मीडिया पर बिग बॉस फेम शहनाज का रैंप वॉक और ड्रेस चर्चा में बना हुआ है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, शहनाज की पूरी ड्रेस ही ट्रॉल हो रही है। जहां कुछ लोगों को उनका ये अंदाज काफी अच्छा लगा तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को उनकी ये रैंप वॉक ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। लोगों को लगा शहनाज ने ये किस किस्म की ड्रेस पहनी है जिसका ना ओर है ना छोर। एक यूजर ने लिखा, छपरी लग रही है। दूसरे ने लिखा, कैसी ड्रेस पहनी है। तीसरे ने लिखा, ये कैसा फैशन है। अगर इसे फैशन कहते हैं तो पुराने जमाने के कपड़े अच्छे हैं। वेल, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर ये बड़ी बात है कि शहनाज को अपनी मेहनत की वजह से ही लैक्मे फैशन वीक में तमाम सेलिब्रिटीज के बीच में इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।